बीएसपी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने मैनपुरी पहुंचेंगी। एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन की संयुक्त रैली में मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में ये चौथी रैली होगी। यहां से मुलायम चुनाव लड़ रहे हैं। रैली को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मायावती भी संबोधित करेंगी। अगर मुलायम इस रैली में मंच साझा करते हैं तो 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद यह पहला मौका होगा जब मुलायम मायावती एक साथ नजर आएंगे। इस पर सभी की निगाहें, सभी की नजर है। माया ने गठबंधन का ऐलान करते हुए ये कहा था कि वो गेस्ट हाउस कांड को किनारे रखकर जनहित में ये गठबंधन कर रही हैं। तो आज मैनपुरी में क्या मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे? प्रवीण पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या ऐसा होने जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी मायावती के साथ मंच पर नजर आए? अगर ऐसा होता है तो आज की ये बड़ी सियासी खबर है और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी है उत्तर प्रदेश में। जी वैसे तो संभावना ये है, अभी तक का मुलायम सिंह जी का लगा हुआ है प्रोग्राम कि मुलायम सिंह जी आ रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है ये अभी नहीं कह सकते हैं। वैसे तो 12:30 बजे का प्रोग्राम है, मुलायम सिंह जी मायावती के साथ मंच साझा करेंगे, लेकिन एक समय उन्होंने मुलायम सिंह ने ये कह दिया था कि मैं मायावती जी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। अब आगे देखते हैं टाइम पे क्या होता है। बाकी मायावती जी और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और आरएलडी के अजीत सिंह जी तो मंच साझा करने आ ही रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, मैनपुरी जो है मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ है और लंबे अरसे से यहाँ से जीतते आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। पिछली सीट पे उन्होंने वो अलग बात है कि जीत कर छोड़ दी थी, लेकिन दबदबा उनका है और मैनपुरी का जो मूड है गठबंधन को लेकर क्या कहता है, थोड़ा सा यही भी बताने की आप बताएं, क्योंकि मायावती को आना पड़ रहा है यहाँ पर प्रचार करने के लिए। मायावती इसलिए आ रही हैं कि बसपा का जितना भी वोट है वो ट्रांसफर कर सके मुलायम सिंह जी के लिए। वैसे तो मुलायम सिंह पिछली बार यहाँ से 3.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब मायावती इसलिए आ रही हैं कि बाकी का जो उनका बसपा का वोट है उसे मिला के लगभग 5 लाख से ऊपर जीत दर्ज करने की करवाए मुलायम सिंह जी को। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रेम सिंह शाक्य, उनके बारे में क्या कहना है, उनका जो कैंपेन है उस पर कितना असर डालेगा आज का ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम? आज का ये प्रोग्राम जो लगा हुआ है इसका पूरा असर सपा और बसपा गठबंधन को बहुत फायदा मिलेगा इससे जी। क्योंकि जो लास्ट टाइम पे ये रैली हो रही है उस रैली से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि प्रेम सिंह जी जो है वो अपने पूरे कैंपेन में लगे हुए हैं जीत दर्ज करने के लिए, कमल खिलाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं मैनपुरी में, केशव मौर्य जी आ चुके हैं, दिनेश शर्मा जी आ चुके हैं, लेकिन तब भी मुलायम सिंह के लिए यहाँ की जनता एक तरफा वोट डालती है, इसलिए जीत तो मुलायम सिंह की ही है। चलिए शुक्रिया प्रवीण आपका जानकारी के लिए। मैनपुरी में आज एक मंच पर मायावती और मुलायम सिंह यादव नजर आ सकते हैं और अभी तक का जो कार्यक्रम है, जैसा कि प्रवीण पांडे हमारे संवाददाता वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं, अभी तक जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव इस कार्यक्रम में पहुंच